Hello and welcome to GeoMind app. This is the lecture number two on structural geology. And today we are going to discuss strain. So in the first lecture, we discussed about the basics of structural geology. Again, I'm reminding you, this course is for the students who are preparing for various competitive examinations related to geology or earth sciences. Uh, if you are preparing for CSIR, JRF, or UGC JRF, or Gate Geology, or IT Jam, or UPSC, or any other state PCS examination. This course is going to be helpful for you. Okay. So in the previous lecture, that is lecture number first, we discussed the introduction to structural geology. Also, we discussed about primary एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ठीक है तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में हम जो इंपोर्टेंस देते हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को देते हैं इन स्ट्रक्चरल जोलॉजी ओके इट मीन्स दैट वी स्टडी अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ओके एंड हमने क्लासिफिकेशन भी देखे थे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की ओके सो वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट डिफॉर्मेशन की वर्ड इज डिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन इज बेसिकली द हार्ट ऑफ स्ट्रक्चल जोलॉजी मतलब सारा खेल जो है वो डिफॉर्मेशन का है ठीक है और डिफॉर्मेशन से ही रिलेटेड हमारा स्ट्रेन होता है तो स्ट्रेन को हम आज पढ़ेंगे एंड इन टू टू थ्री लेक्चर्स वी विल कवर दिन एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दस स्ट्रेस डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे जो इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं स्ट्रक्चर जोलॉजी में वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट Okay, so each and and everything will be covered and this course is going सो ईच एंड एवरी थिंग कवर्ड एंड दिसवरी लास्ट तक येगा और जैसा कि पिछले में मैंने किया है पी वाई अपलोड करूंगा जो तीन इंपोर्टेंट एग्जामिनेशन है गेट जैम और यूपीएससी के लास्ट टेन ईयर्स के ठीक है थीके? तो ये हम अपलोड करेंगे एज अ पी डी एफ एंड दिस पी डी एफ विल बी प्रोवाइडेड टू यू राइट सो लेट्स स्टार्ट

The PDF is more readable. So, if you want this book from me, you can message me in the app. Okay. Or you can message me in the WhatsApp. Okay. The other text that I'm using is SK Ghosh. Uh, you could also use Twist and Moore's. Twist and Moore's. Or there is also a good book that is AK Jan TK and uh, Billings, MP Billings. की एक बुक आती है स्ट्रक्चर जोलॉजी की वो भी अच्छी है और सो uh, एक और बुक है डेविस की ठीक है और एक स्टीफन मार्शेक की बुक आती है स्टीफन की अर्थ अर्थ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तो इनमें से कोई सी भी बुक आप यूज कर सकते हो अदर देन हाकन फोसन हाकन योर प्राइमरी बुक एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज एनी ऑफ द बुक फ्रॉम फ्राम ओके ट्यूशन मोड्स आई वुड प्रीफर ट्यूशन मोड्स और यू कुड से अर्थ स्ट्रक्चर ये दोनों काफी अच्छी बुक हैं ठीक है ठीके? तो शुरू करते हैं सबसे पहले आ, मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक्स ठीक है प्लेट टेक्टोनिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है अर्थ की डिफॉर्मेशन में ठीक है तो जो आपको माउंटेन बर्ड्स दिखती हैं राइट प्लेट्यूज एनी डिफॉर्म रीजन ऑफ द अर्थ जो होता है लार्ज स्केल पे वो किसके कारण होता है प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ठीक है एंड प्लेटॉनिक टेक्टोनिक्स को मैंने अच्छे से समझाया था इन द प्रीवियस लेक्चर ठीक है कि जो आपका लिथोस्फेयर होता है इट इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट जी एंड बिकॉजिकता है वो एक्टिव होता है ठीक है उसका कोर जो है एक्टिव है मैग्टिक एक्टिविटीज विदिन सॉरी विद इन दी अर्थ इंटरनास्ट्रक्चर इट इज इट कॉजेज दर्थ अर्थ टू बी डायनेमिक इन नेचर सो ड्यू टू दैट द्लेट्स आर मूविंग एंड दीज प्लेट्स आर कॉजिंग दर्थ टू डिफॉर्म

नाउ uh, हमने ये भी डिस्कस किया था कि डिफॉर्मेशन अलग अलग तरीके के होते हैं तो वट इज डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल ज्योमेट्री ठीक है मतलब कोई भी स्ट्रक्चर है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लट्स से कि एक बेडिंग है हमारे पास ठीक है और अगर आपने स्टेटोग्राफी पढ़ी है मेरे से और आपने कोर्स लिया है वो वाला तो उसमें मैंने प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे स्टेटीग्राफी के देआर डिफरेंट प्रिंसिपल्स उसमें से एक प्रिंसिपल ये था

रिजिड बॉडी रोटेशन चेंज इन शेप वॉल्यूम चेंज ठीक है चेंज इन शेप को डिस्टोर्शन कहते हैं वॉल्यूम चेंज को हम कहते हैं डायलेशन ठीक है या इसको हम चेंज इन साइज भी कह सकते हैं ठीक है चेंज इन साइज तो ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था और यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है ट्रांसलेशन अगर उसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है एक, हमारे पास हॉट एयर बलून है ठीक है एंड दिस बलून when when uh, it rises it is actually performing translation theek hai that is change in position theek hai to uski position change ho rahi hai pehle ground mein tha ab ye air mein hai to ye bhi ek tarike ka deformation hai because uski final geometry change ho rahi hai theek hai There is rotation. ठीक है अगर ये रोटेट करेगा तो ये क्या हो गया हमारे पास रोटेशन मतलब इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है ठीक है सी में क्या हो रहा है uh, जब हम हॉट एयर बलून में क्या करते हैं गैस भरते हैं ठीक है हीलियम गैस भरते हैं तो इट एक्सपैंड चेंज इन वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं डायलेशन ठीक है और यू कुड से चेंज इन साइज तो ये सारा जो है वो हमारी रॉक्स पे भी लागू होता है ठीक है डिस्टोर्शन इज चेंज इन शेप अगर ये दो वो टकरा रहे हैं तो इसका शेप चेंज हो रहा है सो दिस इज डिस्टोर्शन ठीक है तो ये हमारा बेसिक डिफॉर्मेशन हो गया ये मैंने आपको पहले भी बताया है ठीक है ओके सो दिस इज ऑल द सेम ठीक है एक स्क्वायर है रिजिट बॉडी ठीक है ट्रांसलेशन रोटेशन ठीक है डायलेशन ठीक है डिस्टोर्शन तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ट्रांसलेशन रोटेशन होता है वो रिजिट बॉडी होता है रिजिट बॉडी क्या होता है ये मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था ठीक है और नॉन रिजिट बॉडी में क्या होता है डायलेशन डिस्टोर्शन ठीक है तो रिजिट बॉडी क्या होता है नॉन रिजिट क्या होता है ये मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है ओके okay. तो स्ट्रेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं बिकॉज स्ट्रेस एक बहुत बड़ा पार्ट है और स्ट्रेस को हम जो प्रॉपरली डिस्कस करेंगे वो स्ट्रेन के बात करेंगे ठीक है जब हम स्ट्रेन अच्छे से डिस्कस कर लेंगे बिकॉज दिस लेक्चर इज ऑन स्ट्रेन बट हमें थोड़ा सा ये भी समझना है कि वाई द स्ट्रेन इज हैपनिंग ठीक है स्ट्रेन क्यों हो रहा है ठीक है तो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है हमारा डिस्टॉर्शन ठीक है तो शेप और साइज में जो चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं स्ट्रेन कहते हैं बेसिकली नॉन रिजिड डिफॉर्मेशन ठीक है तो जो हमारे अभी हमने डिफॉर्मेशन डिस्कस किया था उसमें ट्रांसलेशन में तो बेसिकली क्या हो रहा है इसके साइज और शेप पे कोई फर्क नहीं आ रहा है, बस इसकी पोजीशन चेंज हो रही है रोटेशन में क्या हो रहा है साइज एंड शेप पे फर्क नहीं आ रहा है इस स्क्वायर के ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के आप देख सकते हो बस इसकी ओरिएंटेशन में फर्क आ रहा है ठीक है इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं लेकिन डायलेशन और डिस्टॉर्शन मतलब चेंज इन शेप और यहां हो रहा है चेंज इन साइज तो ये नॉन रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन है ये दोनों ही स्ट्रेन कहलाते हैं ठीक है थीके? अब ये स्ट्रेन क्यों हो रहा है बिकॉज इस ओरिजिनल बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है ठीक है और वो फोर्स बेसिकली क्या है स्ट्रेस है ठीक है तो स्ट्रेस क्या होता है यहां हम पढ़ लेते हैं इन अर्थ फोर्सेस एक्ट ऑन रॉक बॉडीज ठीक है हमारे ऊपर हमारे पास कोई रॉक है उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं और ऑब्वियसली वो किसके कारण लग रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण लग रहे हैं ठीक है एंड दीज फोर्सिस एक्ट ऑन रॉक बॉडीज एंड ड्राइव सर्टेन ऑफ डिफॉर्मेशन बट फोर्स इज नॉट मीनिंगफुल एज स्ट्रेस क्योंकि फोर्स स्ट्रेस में क्या है बेसिकली हम क्या है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ठीक है तो हम सिंपली फोर्स नहीं कह सकते हैं। उसको और ज्यादा अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा एज अ स्ट्रेस ओके तो अगर हम सिर्फ फोर्स की बात करेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या आएगा एक यूनिट आएगी ठीक है जैसे न्यूटन हो गया लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि किसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं और कितना लगा रहे हैं ठीक है तो यहां पे हम obviously किसी एरिया के ऊपर फोर्स लगाएंगे ठीक है प्लेट से दिस इज रॉक अर ऑब्जेक्ट ठीक है कोई सा भी ऑब्जेक्ट इसको ले लो कोई बॉक्स ले लो ठीक है और इसके ऊपर क्या लग रहा है एक फोर्स लग रहा है लेकिन कहां पे लग रहा है एक यूनिट एरिया के ऊपर लग रहा है ठीक है तो इसी को हम क्या कहते हैं स्ट्रेस कहते हैं वेन अटन फोर्स इज अप्लाइड टू एन एरिया ठीक है जिसको हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया दिस इज स्ट्रेस एंड इट इज सिमिलर टू प्रेशर ठीक है बट यहां पे हम स्ट्रेस का यूज करेंगे ठीक है नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस ये आपको खुद से लिखना है ठीक है बहुत बेसिक है फिजिक्स का आपने टेंथ इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ा होगा कि प्रेशर और स्ट्रेस में क्या फर्क रहता है ठीक है स्ट्रक्चरल जोलॉजी में हम स्ट्रेस का यूज करते हैं ठीक है इट्स बेसिकली द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सपीरियंस्ड बाय द मटेरियल, ओके सो इन रियल लाइफ यू कैन सी हियर ठीक है ये हमारी मरियाना ट्रेंच है ठीक है इन जापान, ठीक है तो जापान के पास में आपकी मरियाना ट्रेंच है डीपेस्ट uh, ट्रेंच ऑन दर्थ ओके एंड इट इज ऑलमोस्ट टेन टू इलेवन किलोमीटर्स इन डीप तो यहाँ पे आप बेसिकली uh, दिखा रखा है कि एक वाटर कॉलम है ओशन का एंड वो वाटर कॉलम जो है वो टेन किलोमीटर डीप है ठीक है उसकी हाइट जो है इस टेन किलोमीटर एंड इट इस इट इस बेसिकली जो इसका वाटर कॉलम है इसका जो फोर्स लग रहा है इस एरिया पे ठीक है मरियाना ट्रेंच के जो इसका अबिसल वाला एरिया है ठीक है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे दिखा रखा है ठीक है तो वेट ऑफ वाटर ज बेसिकली फोर्स दैट इज एक्टिंग है ना वेट क्या होता है आपका फोर्थ होता है एम जी राइट सो दिस वेट इज एक्टिंग ऑन दिस एंड इट इज कॉजिंग सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रेस टू फॉर्म ठीक है तो स्ट्रेस ऑन अ बॉडी टेन किलोमीटर अंडर वॉटर ओके और टेन किलोमीटर अगर हम क्रस्ट की बात करें टेन किलोमीटर डीप ठीक है सो इट विल अराइज फ्रॉम द वेट ऑफ दिस वॉटर कॉलम और फ्रॉम द वेट ऑफ दिस क्रस्ट राइट टेन किलोमीटर क्रस्ट तो यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन कर रखी है वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ वाटर क्या होगा डेंसिटी ऑफ द सी वाटर एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी हाइट एंड एरिया ठीक है तो अगर मेरे पास वन बाय वन मीटर का एक एरिया है यहाँ पे ट्रेंच पे तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है ठीक है सो इट कम्स आउट टू लाइक वन पॉइंट जीरो पावर एट के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है और वन ठीक है तो ये इतना स्ट्रेस लग रहा है तो प्रेशर और स्ट्रेस यू कुड से इज सेम बट डेफिनेशन थोड़ा सा अलग होती है ठीक है तो वो आपको खुद से करना है दिस इज द टास्क दैट आई एम गिविंग यू ओके एंड नाउ दीज यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एक पास्कल होता है वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है वन बार होता है हंड्रेड किलो पास्कल वन एटमोस्फियर होता है लगभग वन बार के बराबर बराबर ठीक है

स्ट्रेस इज बेसिकली अ प्रेशर ठीक है विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ मटेरियल ठीक है तो ये एक रेजिस्टिंग फोर्स होता है ठीक है तो इतना आपको समझ में है और स्ट्रेस के कारण ही आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है तो इसलिए हमने स्ट्रेस को पढ़ा ठीक है यानी कि स्ट्रेन हो रहा है अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे दैट इज योर स्ट्रेन सो स्ट्रेन क्या होता है स्ट्रेन और डिस्टॉर्शन इज नॉन रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन एंड रिलेटिवली सिंपल टू डिफाइन ठीक है एनी चेंज इन शेप विद और विदाउट चेंज इन वॉल्यूम

ऑब्जेक्ट ठीक है और अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है स्पेशली तो वॉल्यूम चेंज को हम क्या कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी कहते हैं इट इज ऑल्सो रिफर टू एस डायलेशन ये मैंने आपको बताया था ठीक है सो स्ट्रेन यू कुड से कम्स अंडर योर डिफॉर्मेशन अब दो तरीके के डिफॉर्मेशन होते हैं हाइट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस डिफॉर्मेशन ठीक है सो वेन द डिफॉर्मेशन इज अप्लाइड टू अ रॉक वॉल्यूम ठीक है और वो आइडेंटिकल होता है थ्रू आउट दैट वॉल्यूम ठीक है मतलब हमारे पास एक रॉक है ठीक है ये क्यूब है एक रॉक का एंड उसके ऊपर हमारे पास स्ट्रेन लग रहा है और वो आइडेंटिकल है थ्रू आउट द बॉडी मतलब पूरी बॉडी में सेम स्ट्रेन लग रहा है तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस ठीक है तो रिजिड रोटेशन और ट्रांसलेशन आर ऑलवेज होमोजीनियस ठीक है क्योंकि क्या होता है जो रिजिड रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन होता है ठीक है ट्रांसलेशन रोटेशन होता है ये ऑलवेज क्या होता है होमोजीनियस ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है ऑलवेज होमोजीनियस ठीक है बिकॉज इसमें क्या हो रहा है देखिए ट्रांसलेशन अगर हो रहा है तो पूरी की पूरी बॉडी चेंज हो रही है है ना अपनी इनिशियल से फाइनल पोजिशन में मतलब पूरी बॉडी पे सेम लग रहा है ठीक है डिफॉर्मेशन रिजिड बॉडी में क्या हो रहा है अगर मैं इसको पूरा रोटेट करूंगा तो सारे पार्टिकल्स रोटेट करेंगे ना मतलब ये अपने पोजिशन चेंज करेगा ठीक है जैसे ये है ना ऑरिजिनल पोजिशन है इसकी ठीक है इसको मैंने क्या है रोटेट किया तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो है इसके अंदर ठीक है वो अपनी पोजिशन चेंज करेंगे ठीक है तो ये हो गया आपका होमोजीनियस राइट right? अब जो स्ट्रेन होता है या वॉल्यूम और या एरिया चेंज जो होता है ठीक है यहां हमारा स्ट्रेन आ गया मतलब वॉल्यूम या साइज चेंज जो होता है वो हाइट्रोजीनियस भी हो सकता है और होमोजीनियस भी हो सकता है ठीक है ना मतलब जो नॉन रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन होता है इट कुड बी हाइट्रोजीनियस और होमोजीनियस ठीक है ओके तो तो आपका जो डायलेशन है डिस्टोर्शन है चेंज इन शेप या चेंज इन साइज जो कि स्ट्रेन के अंदर आता है यह हमारा होमोजीनियस और हाइट्रोजीनियस हो सकता है डिफॉर्मेशन ठीक है होमोजिनियस या हाइड्रोजीनियस डिफॉर्मेशन रिजिड बॉडी विल ऑलवेज बी होमोजीनियस ओके हाइट्रोजीनियस डिफॉर्मेशन क्या होता है इफ

या कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका शेप जो होगा इट विल नॉट चेंज शेप ठीक है तो पैरल लाइन विल पैरल अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो भी स्ट्रेट ही रहेगी। ये होता है रहेगीमोजीनियस स्ट्रेन सर्कल विल बिकम एलिप्स इन थ्री डायमेंशन स्फेयर विल बिकम एलिप्सॉइड्स ओके तो सर्कल्स जो होंगे वो एलिप्स बनेंगे कोई अगर स्फेयर है किसी रॉक बॉडी के अंदर डिफॉर्म हो रहा है तो वो एलिप्सॉइड की फॉर्म ले लेगा ठीक है द स्ट्रेन एंड वॉल्यूम चेंज विल बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ रॉक अंडर द देशन इफ नॉट देन द डिफॉर्मेशन इज हेट्रोजीनियस या इन ठीक है तो होमोजीनियस में क्या होगा वॉल्यूम चेंज विल बी कॉन्स्टेंट ठीक है वॉल्यूम चेंज विल बी कॉन्स्टेंट ठीक है तो ये समझ लो होमोजीनियस है हमारे पास एक रॉक है जिसके अंदर ये फॉसिल्स हैं ठीक है थीके? आप देख सकते हो एमोनाइट ये एमोनाइट का फॉसिल है आई थिंक दिस इज समीज आर सम केमिकल फीचर्स जो केमिकल फीचर्स विच आर नोन एज रिडक्शन स्पॉट्स ठीक है तो मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था जहां पे आपको कुछ ऐसे टर्म्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको पता नहीं है जैसे रिडक्शन स्पॉट्स क्या होते हैं तो ये आपको देखना है ठीक है ना जस्ट सर्च रिडक्शन स्पॉट्स इन गूगल एंड राइट डाउन द डेफिनेशन ठीक है रिडक्शन स्पॉट ये आपका टास्क है ओके तो आप देख सकते हो कि इस रॉक बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं ये लाइन जो दिख रही है ये डाइक्स हैं ठीक है इग्नियस डाइक्स होते हैं ना ठीक है जब लावा या मैग्मा सॉरी मैग्मा जब इंट्रूड करता है किसी रॉक बॉडी के अंदर एंड इट फॉर्म्स दीज स्ट्रेट लाइंस विच आर कटिंग द बेडिंग है है ना ठीक ये मैग्मा और ये सॉलिडिफाई हो गया और ये बेड्स हैं आपके ठीक है इन बेड्स को ये मैग्मा कट कर रहा है ठीक है तो और ये शीट लाइक बॉडी है तो इसको हम बोलते हैं डाइक्स ठीक है तो ये डाइक्स हैं इसके अंदर तो ये स्ट्रेट है, हैं पैरल्स हैं अब मैं इसको क्या करूंगा डिफॉर्म करूंगा ठीक है एज अ ये आपका डिफॉर्म हो गया ठीक है या ये आपका डिफॉर्म हो गया तो आप देख सकते हो कि जो शेप है वो तो सेम है ना ये ब्रैकेट बोर्ड का शेप कुछ इस तरीके का था राइट वो अभी भी इस तरीके का ही है बस उसका साइज में फर्क आ गया है ना लेकिन वो कुछ ऐसे डिस्टॉर्ट नहीं हुआ ना राइट या आपका जो सर्कल है दिस सर्कल हैज चेंज शेप मतलब है तो राउंडेड ही ना एलिप्स like में बन गया ठीक है तो अब हमने यहाँ पे क्या कहा था सर्कल्स बिकम एलिप्सिस है ना अब अमोनाइट है अमोनाइट का शेप कुछ इस तरीके का था तो इसका साइज में फर्क आया है या वॉल्यूम में फर्क आया होगा लेकिन शेप यही रहा ठीक है मतलब ऐसे कुछ यूं तरीके से नहीं हुआ राइट सो दिस इज योर होमोजेनियस डिफॉर्मेशन ओके सिमिलरली इन दिस सिंपल शेयर प्योर शेयर क्या होता है ये हम आगे बढ़ेंगे बट एक तरीके का डिफॉर्मेशन है ये होमोजिनियस डिफॉर्मेशन है ठीक है राइट अगेन दिस इज सेम राइट ये था ये था इसके साइज में फर्क आया है लेकिन इसका जो ओरिजिनल शेप है वो इंटैक्ट है ओके नाउ वन थिंग यू हैव टू कंसिडर इज दैट डिफॉर्मेशन दैट इज होमोजीनियस ऑन वन स्केल मे बी कंसिडर्ड हाइड्रोजीनियस डिफरेंट एक ओरिजिनल सर्कल रहा होगा उस पे होमोजिनियस स्ट्रेन लगता है तो वो ये एलिप्स बन जाता है बट अगर हम स्केल पे देखें स्केल पे देखेंगे तो इसके अंदर आपको टाइनी टाइनी फॉल्ट देखने को मिलेंगे स्मॉल स्मॉल फ्रैक्चर्स, स्ट्रीट लाइन फ्रैक्चर्स देखने को मिलेंगे पे. तो आप कह सकते हो कि इसके ऑरिजिनल साइज में फर्क ऑरिजिनल शेप में फर्क आया राइट तो माइक्रोस्केल में क्या हो गया सर्कल जो हो गया ये डिफरेंट शेप्स में चेंज हो गया सो so, माइक्रोस्केल पे ये क्या है हाइड्रोजीनियस है बट मैक्रोस्केल पे लार्ज स्केल पे ये स्टिल दिस इज होमोजीनियस राइट सो डिपेंडिंग कि किस तरीके से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी स्ट्रक्चर को माइक्रोस्केल पे या मैक्रो इट कुड बी होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस ओके तो ऑन अ लार्ज स्केल द डिफॉर्मेशन मे बी कंसिडर्ड होमोजीनियस बिकॉज द डिस्कंटिनिटीज रिप्रेजेंटेड बाई द फॉल्ट आर रिलेटिवली स्मॉल मतलब यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई फॉल्ट वगैरह नहीं दिख रहे हैं लेकिन स्मॉलर स्केल पे हाउ एवर दोन्यूटीज बिकम मोर एपरेंट एंड देन डिफॉर्मेशन मस्ट बी कंसिडर्ड हेड्रोचिनियस ओके सिमिलरली आप देख सकते हो कि ये है कुछ हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है और ये डिफॉर्म हो गया है ठीक है अब ये वाला जो पार्ट है दिस हैज नॉट चेंज्ड एनी ओरिजिनल शेप है ना ओरिजिनल साइज ठीक है तो ये वाला पार्ट क्या है होमोजीनियस लेकिन इस वाले पार्ट में इसका शेप चेंज हो गया है राइट सो दिस इज राइट सो डिपेंडिंग हम कहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी स्केल पे ऑब्जर्व कर रहे हैं डिफॉर्मेशन कुड बी होमोजीनियस एंड हाइड्रोजीनियस राइट सो दिस वॉज होमोजीनियस एंड हाइड्रोजीनियस आई होप इट इज क्लियर ठीक है डेफिनेशन फिर से पढ़ लेना ये पी जो है वो आपको अपलोड हो जाएगी आपके ऐप आप पे ओके okay? एंड यू कैन मेक नोट्स फ्राम दी स्पीड्स ठीक है अगेन होमोजीनियस ट्रेन क्या होता है स्ट्रेट लाइन रिमेन स्ट्रेट पैरलटिकलीरिएटिकली शेप एंड ओरियंटेड ठीक है ओके हाइड्रोजीनियस का मैंने आपको बता दिया ठीक है नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेन इन वन डायमेंशन ठीक है तो यहां से कुछ फॉर्मुलाज आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है ओके ओके सो इन वन डायमेंशन है तो इसका मतलब क्या है कि लेंथ के अलाउंग ही आपका स्ट्रेन होगा ठीक है एक सिंगल डायरेक्शन में ठीक है तो स्ट्रेन इज अबाउट स्ट्रेचिंग एंड शॉर्टनिंग ठीक है ऑफ लाइन्स और अप्रॉक्सीमेटली लीनियर या स्ट्रेट ऑब्जेक्ट ठीक है तो लट्स की आपके पास कोई ऐसा रॉक है जो कि बहुत ही लीनियर है इसका मतलब वो एक डायमेंशन में फैला हुआ है इतना ज्यादा है कि उसका जो दूसरा डायमेंशन है जो इसकी ब्रेड है या विर्थ है इट डजेंट मैटर ओके लेंथ इज वेरी वेरी लॉन्ग और वेरी वेरी हाई कंपेयर टू योर वेड़ दट इज योर लीनियर ऑब्जेक्ट या स्ट्रेट ऑब्जेक्ट आप यहां पे देख सकते हो कि मेरे पास क्या है एक बेड है रॉक बेड है इज़ 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 हैविंग अ लेंथ लेंथ नॉट दिस दिस योर इट्स ओरिजिनल ठीक है अब क्या होता है कि इसके ऊपर लगता है स्ट्रेचिंग फोर्स लेट्स से कि नीचे से मैग्मा आता है राइट जैसे रिफ्ट में होता है आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं रिफ्ट के बारे में ठीक है या स में भी आपने देखा होगा तो नीचे से मैग्मा आता है इसके ऊपर क्या लगता है एक स्ट्रेचिंग फोर्स लगता है और ये एक्सपैंड स्ट्रेच होने की कोशिश करता है एक्सपैंड तो नहीं बोलूंगा स्ट्रेच ठीक है और इसकी फाइनल लेंथ है एल ठीक है तो जो इसकी ओरिजिनल से लेके फाइनल लेंथ में चेंज आया है वो ही आपका क्या होता है इलोंगेशन ठीक है तो इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है ई e, ज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ठीक है लेट से कि मेरे पास हंड्रेड किलोमीटर्स लेट से मेरे पास टू हंड्रेड किलोमीटर्स की एक रिफ्ट है जिसकी लेंथ ओरिजिनली इट वॉज हंड्रेड किलोमीटर्स तो इसका इलोंगेशन कितना हो गया टू हंड्रेड माइनस वन हंड्रेड अपॉन हंड्रेड ठीक है तो ये हो जाएगा आपका वन ठीक है यानी कि हंड्रेड परसेंट इसका इलांगेशन हुआ है सिंपल है ठीक है सो दिस इज स्ट्रेन इन वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेन जो स्ट्रेच हुआ है वो एक डायमेंशन में हुआ है ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है ठीक है और इसका जो सिंबल होता है इलोंगेशन का वो होता है ई e, ये कभी कभी एप्सलन भी आ जाता है ठीक है सो दिस ई ठीक है और बीटा uh, फैक्टर भी होता है विच इज एस इज इक्वल टू वन प्लस इलांगन ठीक है दिस इज कॉमनली यूज टू क्वांटिफाई एक्सटेंशन अक्रॉस एक्सटेंशनल बेसेंस ठीक है एक्सटेंशन मतलब आप पे स्ट्रेचिंग फोर्स लग रहा है तो ये किस तरीके के फॉल्ट आपके बनेंगे ये फॉल्ट है ठीक है इस बहुत सारों को पता होगा कि फॉल्ट क्या होता है अगर नहीं भी पता है तो हम आगे डिस्कस करेंगे फॉल्ट के बारे में ठीक है तो ये नॉर्मल फॉल्ट आपके बन रहे हैं स्ट्रेचिंग में नॉर्मल फॉल्ट ओके इफ यू नॉट नो अबाउट जस्ट डोंट वरी ओके तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू हंड्रेड दिस इज योर परसेंट इलांगेशन और सिर्फ elongation में आपको हंड्रेड से मल्टीप्लाई नहीं करना है ठीक है बीटा इज योर स्ट्रेचिंग फैक्टर वन प्लस ई ठीक है तो ये स्ट्रेचिंग आ गया आपका तो स्ट्रेचिंग एक टर्म होता है इट इज डेजिग्नेटेड बाय दिस फॉर्मुला वन प्लस ई ठीक है मतलब वन प्लस इलांगन इसको हम बोलते हैं स्ट्रेच stretch. ये स्ट्रेचिंग स्ट्रेच होता है ठीक है ठीक है तो ये आपके रिफ्ट या एक्सटेंशनल जो बेसिंस होते हैं उनके एनालिसिस के लिए स्ट्रेच का यूज किया जाता है स्ट्रेचिंग फैक्टर का यूज किया जाता है ठीक है लैमडा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसका फॉर्मूला होता है लैमडा इज इक्वल टू स्ट्रेच का होल स्क्वायर ठीक है क्वाड्रेटिकलोंगेशन सो आल्सो यू रिमेंबर ठीक है इसके अलग अलग हैं ऑब्वियसली एस स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, हो हो गया, का हो गया, प्लस का का होल होल एंड फाइनल इनिशियल नेचर में होता है ठीक है इट इज द इंटीग्रल ऑफ ऑल इन्फानेट इंक्रीमेंट्स ऑफ एक्सटेंशन रिक्वायर्ड टू मेक अप डिफॉर्मेशन मतलब डिफॉर्मेशन में जो बहुत ही छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं मतलब एक रॉक है हमारे पास उसके ऊपर डिफॉर्मेशन हो रहा है फोर्सेस लग रहे हैं स्ट्रेस लग रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा उस पर फाइनल मतलब जो इन्फिनेटल का मतलब होता है वेरी स्मॉल जो इंक्रीमेंट्स लग हो रहे हैं डिफॉर्मेशन के उसको हम बोलते हैं इन्फिनेट ओके ओके सो एक्सट्रीमली जो स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं चेंज इन लेंथ ठीक है इन्फिट चेंज इन लेंथ या कोई भी डिफॉर्मेशन uh, 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 हो रहा है ठीक है उसको हम इन्फिनेटिसमल कहते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ वन डायमेंशन में हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे इन्फिनेटिसमल चेंज इन लेंथ राइट वन डायमेंशन में लेंथ ही चेंज हो गई ठीक है डी तो इसको हम नेचुरल लॉगरिथमिक स्ट्रेन कहते हैं इसका फॉर्मूला ये होता है ठीक so uh, है सो अगेन यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है ठीक है मेरे पास एक क्या है देखो हम रीजनल स्केल पे भी कर सकते हैं जैसे रिफ्ट वाले स्केल पे और हम माइक्रो स्केल पे भी कर सकते हैं जैसे कि लेट से मेरे पास एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है एक क्रिस्टल uh, की ये फेल्ड्स पार एक मिनरल होता है राइट right? मिनरोलॉजी अगर आपने कोर्स मेरा लिया है तो उसमें मैंने मिनरोलॉजी डिस्कस किया अच्छे से तो फेल्ड्स पार जो होता है ठीक है उसका एक क्रिस्टल आपको दिख रहा है एक ग्रेनाइट माइनोनाइट रॉक के अंदर और ये क्रिस्टल जो है ये फ्रैक्चर्ड हो रखा है ठीक है फ्रैक्चर्ड हो रखा है तो इसका इलांगेशन कितना है ये यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है ठीक है ये ग्रे जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला ये फेल्ड है ये फेल्ड है जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है ये दिस इज योर क्वार्ट्स क्यू से दिखा रखा है ठीक है एंड एम इज मस्को माइका ठीक है तो ये डिफॉर्म हो रखा है इसकी फाइनल लेंथ क्या है? Mm है, mm, तो मेरे पास इनिशियल मिलीमीटर राइट ऑरिजिनल जो ऑरिजिनल क्रिस्टल है फेल्ड स्पायर का ये आ जाएगा तो यहां से मैं कुछ फैक्टर्स निकाल सकता हूँ कि भाई इसके ऊपर इलोंगेशन बाईस परसेंट का इलोंगेशन हुआ है ट्वेंटी टू परसेंट का स्ट्रेच इसका 1.2 पॉइंट टू है कॉरिडक इलांगेशन इसका 1.44 है नेचुरल स्ट्रेन इसका 0.18 है ठीक है तो ये वन डायमेंशन में स्ट्रेन मैंने निकाल दिया ठीक है तो इसीलिए ये फॉर्मूला जो है वेरी इंपॉर्टेंट राइट अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेन इन टू डायमेंशन सो नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रेन इन टू डायमेंशन ओके तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शेयर स्ट्रेन को शेयर स्ट्रेन एक्चुअली में क्या होता है ठीक है तो शेयर स्ट्रेन को समझने से पहले हमको डिस्कस करना पड़ेगा एंगुलर शेयर ठीक है लेट्स से हमारे पास एक आ, ये स्क्वायर है ठीक है या क्यूब है लेकिन टू डायमेंशन में है तो इसका मतलब ये स्क्वायर है टू डायमेंशन का मतलब क्या है कि मेरे पास लेंथ प्लस विड्थ आ चुकी है ठीक है एंड इस स्क्वायर के ऊपर मैं क्या करता हूँ पैरल टॉप से एंड बॉटम से फोर्स लगाता हूँ अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है तो ये क्या होगा डिफॉर्म होगा कुछ इस तरीके से ऑल राइट right. तो ये जो इसकी ओरिजिनल लाइन है और ये जो फाइनल लाइन है इस साइड की इसमें जो एंगल और चेंज आया है जिसको मैं साई से रिप्रेजेंट करूंगा ये सिंबल आपको दिख रहा है दिस इस केस में ये 32 डिग्री है 32 डिग्री ठीक है 32 डिग्री तो जो हमारा शेयर स्ट्रेन है मतलब ये जो एंगुलर शेयर के कारण जो ये डिफॉर्मेशन आया है इस बॉडी पे 2D बॉडी पे इसी को मैं कहूंगा शेयर स्ट्रेन रिप्रेजेंटेड बाय गामा तो गामा एंगुलर शेयर से किस तरीके से रिलेटेड है गामा इज इक्वल टू टेन इज़ वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो एंगुलर शेयर क्या है सिंपली एक एंगुलर चेंज है ठीक है तो इट डिस्क्राइब्स द चेंज इन एंगल बिटवीन टू ओरिजिनली परपेंडिकुलर लाइंस इन अ डिफॉर्मड मीडियम ठीक है टू ओरिजिनली परपेंडिकुलर लाइन एक लाइन ये होगी हमारी परपेंडिकुलर एक लाइन ये होगी दिस लाइन एंड अनदर दिस लाइन ठीक है तो एक ये चेंज आया मतलब यहां से मैंने फोर्स लगाया तो ये आपका एंगल हो गया ठीक है तो हाउ मच इट रोटेटेड थर्टी टू डिग्रीज okay so uh, the line x rotates 32 degree clockwise during the deformation this rotation is the angular shear okay so this you have to remember the formula you have to remember or shear strain our gamma okay now the sign conventions you have to remember for angular shear okay Agar क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है लाइंस का इन द शेयर स्ट्रेन ठीक है क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है इफ यू हैव एनी क्लॉक इन योर रूम राइट नाउ आपको दिखेगा कि जितनी भी जो सेकंड्स की जो आपके पास हैंड uh, है सेकंड का हैंड है इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज इन दिस डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट राइट इस डायरेक्शन में आपका रोटेशन होता है तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है देन the angle will be positive psi it will be positive or positive shear strain okay if the rotation is anti-clockwise rotation over here anti-clockwise then this will be negative strain shear strain okay clockwise is positive the change in angle between in two initially perpendicular lines पॉजिटिव फॉर क्लॉक वाइज नेगेटिव फॉर एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन ठीक है फिर से मैं बता दू टू ऑरिजिनली परपेंडिकुलर परपेंडिक ठीक है मतलब लेट से कि देखो ये भी है ये नाइन्टी डिग्री था ना ठीक है इसमें चेंज आया साई इज थर्टी टू डिग्री तो ये कितना हो जाएगा सॉरी फोर्टी एट डिग्री राइट भी चेंज आया ना मतलब इस लाइन में और इस लाइन में लेकिन ये जो साई है दिस इज एंगुलर शेयर ओके सॉरी दिस शुड बी फिफ्टी एट डिग्री राइट फिफ्टी एट प्लस थर्टी टू या फिफ्टी एट डिग्री ओके Alright, so this sign conventions you have to remember. Okay, psi is positive in clockwise and negative in anti-clockwise rotation. Now we will talk about a strain ellipse in 2 dimension So, what is a strain ellipse? Strain ellipse is the ellipse that describes the amount of elongation in any direction in a plane of homogeneous deformation. ठीक है तो बेसिकली हमारे पास अगर एक सर्कल है ठीक है एक सर्कल है हमारे पास सर्कल क्या होता है टू डी में होता है ठीक है और उसके ऊपर अगर कोई स्ट्रेन लगता है होमोजीनियस तो एलिप्स में चेंज हो जाएगा राइट तो लेट्स से किसके पास दो एक्सिस हैं हमारे पास एक्स या जेड या कभी कभी जेड को वाई भी कह लेते हैं ठीक है तो एक एक्सिस क्या होगा एलोंगेट होगा और एक एक्सिस शॉर्ट होगा ठीक है शॉर्ट एक्सिस और एक मतलब जब हमारा एलिप्स बन जाएगा जब हमारा एलिप्स बन जाएगा तो एक एक्सिस लॉन्ग एक्सिस होगा ठीक है लेट्स से दिस इज लॉन्ग एक्सिस विच इज एक्स एंड द शॉर्ट एक्सिस दिस इज वाई और इट माइट बी जेड ठीक है कहीं कहीं ये जेड कहीं कहीं ये वाई से रिप्रेजेंट होता है ठीक है तो अब हम देखते हैं

जैसे हाकुन फॉसन है इसको वाई एक्सिस बोलती है ठीक है शॉर्ट एक्सेस को एंड बुक्स रिप्रेजेंट द शॉर्ट एक्सेस बाई जेड नवदीज एक्सिसन प्लस ई वन ठीक है तो अगर मैं एक्स एक्सिस जो कि लॉन्ग एक्सेस है इसकी लेंथ की बात करूं तो वन प्लस ई वन होगा e1 का मतलब क्या है इलोंगेशन इलोंगेशन ठीक है मतलब ओरिजिनल पोजिशन में सर्कल ऐसा था राइट लेट्स से दिस इज एक्स दिस इज वाई ठीक है ओरिजिनल लेंथ और फाइनल लेंथ इसकी चेंज होगी एक्स बड़ा हो गया और वाई हो गया हमारा छोटा राइट दिस इज फाइनल तो इलोंगेशन एक्स एक्सिस की जो लेंथ होगी वो वन प्लस इवन इलोंगेशन ऑफ एक्स राइट उसी तरीके से वाई एक्सिस या जेड एक्सिस की जो लेंथ होगी दिस इज जेड एक्सिस वन प्लस E2, elongation of z-axis. ठीक है? तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? R is equal to x upon y, which is one plus E1 upon one plus E2. ठीक है? So this ratio describes the ellipticity or eccentricity of the ellipse and thus the strain that it तो represent तो यह रेशियो ही बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि स्ट्रेन कितना लगा है, how much strain is, is there? ठीक है? तो सर्कल के लिए ऑब्वियसली क्या होगा सर्कल के लिए, लिए आर इज टू वन बिकॉज इक्वल लगेगा तो सर्कल में कोई स्ट्रेन नहीं लगेगा ठीक है ठीक है तो आप देख सकते हो दिस इज योर स्ट्रेन एलिप्स ठीक है स्ट्रेन एलिप्स मतलब जो सर्कल था उसके ऊपर हमारा स्ट्रेन लगा ओके एक इमेजिनरी सर्कल है वो डिफॉर्म हुआ तो ऐसा स्ट्रेन एलिप्स हमारा बनाएगा जो लॉन्ग एक्सिस है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस जो शॉर्ट एक्सिस है उसको हम कहते हैं जेड या वाई एक्सिस और वाई एक्सिस ठीक है यू कैन रिप्रेजेंट विद एक्स और वाई सॉरी विद जेड और वाई ओके नाउ ओके सो दिस रेशियो यू कैन सी हियर इसका रेशियो यहां पे दे रखा है एस एक्स एस जेड ठीक है ये हमारा आ रहा है 1 और इसका, का आ रहा रहा है 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 और इसका का ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो कि प्योर एरिया चेंज या जब आर इज इक्वल टू वन होता है हमारा आर का मतलब एक्स अपॉन वाई यान जेड जो वन होता है तो हमारा परफेक्ट सर्कल ही रहेगा इसका एरिया चेंज हो सकता है लेकिन डिफॉर्मेशन नहीं होगा ठीक है शेप चेंज नहीं होगा ठीक है तो आप देख सकते हो कि इलांगशन अगर हो रहा है तो ये डिफॉर्म सर्कल आपको दिखेगा स्ट्रेन एलिप्स दिखेगा राइट ये दिखेगा ओके यहां पे क्यों नहीं है क्योंकि यहां पे शॉर्ट एक्सिस है तो शॉर्ट एक्सिस अगर होगा तो लॉन्ग एक्सिस हमेशा हमारा जो स्ट्रेन एलिप्स दिखेगा वो लॉन्ग एक्सिस के

एंड दिस दिस विल बी अ प्योर एरिया चेंज ठीक है ये ओरिजिनल सर्कल है इसका एरिया चेंज हो रहा है लेकिन स्ट्रेन नहीं लग रहा है ठीक है शॉर्टनिंग या इलांगेशन नहीं हो रहा है ठीक है ठीक है तो फील्ड वन स्ट्रेचिंग अलॉन्ग एक्स एंड वाई ठीक है फील्ड टू स्ट्रेचिंग अलॉन्ग एक्स शॉर्टनिंग अलॉन्ग वाई फील्ड टू में क्या स्ट्रेचिंग अलॉन्ग एक्स ये जो ये डार्क सर्कल है इसका ओरिजिनल सर्कल है तो इसमें क्या हुआ फील्ड वन में देखो स्ट्रेचिंग दोनों के हो रही है स्ट्रेचिंग अलॉन्ग एक्स एंड वाई लेकिन एक्स के बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग हो रही है ठीक है स्ट्रेचिंग एक्स शॉर्टनिंग वाई इसमें क्या हो रहा है स्ट्रेचिंग अलॉन्ग एक्स और वाई के अलोंग शॉर्टनिंग हो रही है इसीलिए यहां से आप देख सकते हो कि ओरिजिनल सर्कल से छोटा हो गया ठीक है शॉर्टनिंग अलोंग एक्स एंड वाई ओरिजिनल सर्कल था शॉर्टनिंग अलांग एक्स एंड वाई तो एक्स के अला कम शॉर्टनिंग लेकिन वाई के अलॉन्ग ज्यादा शॉर्टनिंग ठीक है ये वाला सॉरी नाउ आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन एलिप्सिस एक होता है फाइनाइट स्ट्रेन एलिप्स और एक होता है स्ट्रेन एलिप्स ठीक है फाइनाइट स्ट्रेन एलिप्स का मतलब क्या होता है कि जो कुमुलेटिव टोटल डिफॉर्मेशन हमारा देता है मतलब एक सर्कल है उसके बाद जो फाइनल स्ट्रेचिंग के बाद हमारा जो ये फाइनल मतलब जो फाइनल डिफॉर्मेशन आपका दिख रहा है दिस इज योर फाइनाइट स्ट्रेन में क्या होता है कि छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स के साथ साथ जो आपका स्ट्रेन स्ट्रेनिप्स टाइम के साथ छोटा छोटा इंक्रीमेंट हो रहा है इंस्टेंटेनियस इंक्रीमेंट हो रहा है वो होता है हमारा इंफिनेटल स्ट्रेन एलिप्स ठीक है द स्ट्रेन एन इंस्टेंट इन अ टाइम ठीक है तो फाइन फाइनल पोजिशन में नहीं है लेकिन फाइनल पे पहुंचते पहुंचते जो छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स हमारे स्ट्रेन के हो रहे हैं दिस इज नोन एज स्ट्रेन एलिप्स ओके ओके नाउ प्लेन स्ट्रेन प्लेन स्ट्रेन बेसिकली बहुत सिंपल है ये टू डी स्ट्रेन होता है ऑब्वियसली स्ट्रेन इज असेंशियली टू डायमेंशनल प्लेन स्ट्रेन तो किसी प्लेन के along, एक प्लेन है तो प्लेन में क्या होता है सिर्फ विड्थ और लेंथ होती है हाइट नहीं होती है राइट right? तो प्लेन के अलाग क्या हो रहा है आपका स्ट्रेन हो रहा है ठीक है देर इज नो चेंज नो लेंथ चेंज अलॉन्ग द वाई एक्सेस ठीक है आपका क्या है वाई और जेड एक्सिस है ठीक है तो आपका जो प्लेन है ये एक्स जेड का प्लेन है और इसी के अलाग ही आपका क्या हो रहा है स्ट्रेन हो रहा है देर इज नो लेंथ चेंज अलॉन्ग द वाई एक्सिस ठीक है नो लेंथ चेंज अलॉन्ग द वाई एक्सिस ठीक है ओके okay. तो ओके वेल 3 डायमेंशन स्ट्रेन इंप्लाइज़ लेंथ चेंज अलोंग द एक्स वाई जेड ठीक है तो 3 डी में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अभी प्लेन स्ट्रेन का आप इतना समझना है कि स्ट्रेन इज सेट टू बी प्लेन दैट इज इन टू डायमेंशन वेयर देयर इज नो लेंथ चेंज अलोंग द वाई एक्सिस नो लेंथ चेंज अलोंग द वाई एक्सिस ओके तो ये देखो वाई एक्सिस है ना आपका ये वाला राइट दिस इज योर जेड एक्सेस दिस इज योर एक्स एक्सिस फिर से मैं बना देता हूं ये हो गया आपका एक्स ये आपका जेड और इधर वाला ये वाला हो गया आपका वाई एक्सिस तो आप देख सकते हो तो कि ओरिजिनल क्यूब है ठीक है ओरिजिनल क्यूब है तो ये जो जो z एक्सिस है वो तो छोटा हो गया ना ये वाला राइट जो x एक्सिस है वो लंबा हो गया राइट तो इन दोनों डायमेंशन में तो चेंज हो गया लेकिन जो y एक्सिस है इसका जो विड्थ है y एक्सिस है वो सेम है है ना यहाँ पे भी दिस इज प्लेन स्ट्रेन ओके एंड इट्स इन 2D डायमेंशन ओके नाउ टॉक अबाउट को एक्सियल डिफॉर्मेशन एंड नॉन कोएक्शियल डिफॉर्मेशन ओके और जो प्योर शेयर है सिंपल शेयर है वो इन्हीं से रिलेटेड है ठीक है प्योर शेयर इज अ टाइप ऑफ कोएक्शियल डिफॉर्मेशन सिंपल शेयर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉन कोएक्शियल डिफॉर्मेशन राइट ओके सो फर्स्ट वी विल डिस्कस कि एक्चुअली में होता क्या है ठीक है सो इफ वी डिस्कस दैट देयर इज टू डी डायमेंशन में जो आपका होमोजीनियस स्ट्रेन हुआ है ठीक है होमोजीनियस इन टू डी डायमेंशन ठीक है वेयर देयर इज नो एरिया या मतलब जो वाई एक्सिस पे कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है ठीक है तो वहां पे दो टाइप के डिफॉर्मेशन होते हैं कोएक्सियल डिफॉर्मेशन एंड नॉन कोएक्सियल डिफॉर्मेशन ठीक है so सो टाइप टाइप ऑफ ऑफ डिफॉर्मेशन प्लेन स्ट्रेन ठीक है जिसमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है ठीक है डायलिटेशन नहीं हुआ है ठीक है <coughs> ठीक है तो ये एक आइडियल कंडीशन में होता है प्योर और सिंपल शेयर क्या होता है आइडियल कंडीशन में होता है ने, नेचर में क्या है प्योर और सिंपल कभी नहीं होता है ठीक है इट्स ऑलवेज अ मिक्स

से मैं इस फ्रंट स्क्वायर को डिस्कस करता हूं और इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं <coughs> कुछ इस तरीके से टॉप से बॉटम का ठीक है टॉप से भी और बॉटम से भी तो इट विल प्रोग्रेसिवली कन्वर्ट इंटू कन्वर्ट इंटू एन एलिप्स ठीक है अब क्या होगा इसमें जो फ्रंट का स्क्वायर है इसमें जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको ये ब्लैक डॉट्स हैं दिस लेट्स से आर द पार्टिकल्स इनसाइड दिस स्क्वायर फ्रंट स्क्वायर दे विल स्क्वीज टुगेदर ओके एंड दे विल स्ट्रेच डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेचिंग मतलब इस डायरेक्शन में टॉप से बॉटम में, right? में क्या है ठीक है और ये डिफॉर्मेशन पात आपको दिख रहा है e इसमें क्या है स्ट्रेचिंग एस वन के अलोंग स्ट्रेचिंग हो रही है इसको आप एक्स भी बोल सकते हो इसको वाई भी बोल सकते हो ठीक है ना तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी दे रखी है बट हैव सेम ही ठीक है तो पार्टिकल पाथ आप देख सकते हो कि पार्टिकल जो पाथ जा रहा है वो मैक्सिमम इलांगेशन की तरफ जा रहा है राइट ये पार्टिकल पाथ है ना स्ट्रेच जो हो रहा है वो मैक्सिमम इलांगेशन की तरफ हो रहा है ठीक है सो पार्टिकल्स ऑन द फ्रंट फेस ऑफ द ओरिजिनल क्यू फ्लो इनवर्ड एंड कर्व टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेच ठीक है

कि इनका जो नेचर है वो चेंज नहीं हुआ है इनका जो डायरेक्शन है वो सेम ही था इनका जो ओरिएंटेशन है वो सेम ही था है ना? पहले भी ऐसी थी क्रॉस है ना परपेंडिकुलर और पैरलर ठीक है परपेंडिकुलर ठीक है तो ये आपका कोएक्सियल डिफॉर्मेशन हो गया ठीक है तो जो आपका प्योर शेयर होता है इट्स अ टाइप ऑफ कोएक्सियल डिफॉर्मेशन ठीक है तो अगेन यू कैन सी में क्या हो रहा है आपकी जो ये वाली लाइन है ये वाली ये वाली ठीक है तो ये स्ट्रेन एलिप्स तो है नहीं ना अभी इज एलिप्स ये वाला है तो स्ट्रेन एलिप्स में इन स्ट्रेन एलिप्स देर आर लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्सिस ठीक है तो जो ये वाली लाइन है विच आर विच वर पैरल अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इसके पैरल ये वाली लाइन है राइट right? इसके इस वाले के पैरल ये वाली लाइन है इस वाले के पैरल ये वाली लाइन है ठीक है सो दिस लाइन हैज रिमेन्ड इन द सेम ओरिएंटेशन आफ्टर द डिफॉर्मेशन दैट्स व्हाई इट इज नोन एज को स्ट्रेन ठीक है तो जो तो प्योर शेयर होता है इट इज स्पेशल केस ऑफ को स्ट्रेन इन विच शॉर्टनिंग इन वन डायरेक्शन इज परफेक्टली कंपनसेटेड बाई स्ट्रेचिंग ंगल टू दिथ नो चेंज इनिंग इसमें प्योर शेयर में बेसिकली क्या होता है कि जितना शॉर्टनिंग हो रहा है उतना ही आपका स्ट्रेचिंग होगा शॉर्टनिंग इज परफेक्टली कंपनसेटेड बाई सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ठीक है तो जितना शॉर्टिंग हुआ उतना इलांगेशन हुआ यानी कि स्ट्रेचिंग हुआ ठीक है

ठीक है और ये आपकी मैक्सिमम स्ट्रेचिंग डायरेक्शन है ठीक है तो आपको समझ में आ गया ये जो ये वाली जो लाइन थी सर्कल में ये सेम रहेगी स्ट्रेचिंग दे विल बी द सेम इतना आपको समझना है ठीक है और प्योर शेयर क्या है स्पेशल केस है कोएक्सियल स्ट्रेन का जिसमें क्या हो रहा है दॉर्टनिंग इज परफेक्टली कंपनसेटेड बाय द स्ट्रेचिंग ठीक है तो आप यहां पे देख सकते हो प्योर शेयर ठीक है लेट से दीज आर द लाइंस एक लाइन ओ है दूसरी लाइन एन है इसको मैंने क्या किया दोनों तरफ से फोर्स लगाया टॉप से और बॉटम से अब ये सर्कल जो था ये फ्लैटन या शॉर्टन होने लगा ठीक है अब ये आपकी ये, ये ये आपका स्ट्रेन एलिप्स यहां से डिफॉर्मेशन हुआ था ये आपका स्ट्रेन एलिप्स बन गया स्ट्रेन एलिप्स बना तो इसकी क्या है एस वन यानी कि एक्स जो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेचिंग है और S1 ये शॉर्टनिंग एक्सिस है ये वाला मैक्सिमम मैक्सिमम सॉरी मैक्सिमम लगेशन एक्सिस है ठीक है तो ये इनमें कोई चेंज नहीं आएगा ठीक है इनमें कोई चेंज नहीं आएगा ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है Now we will talk about non-coaxial deformation. Non-coaxial deformation. Okay. Now in non-coaxial deformation, what is happening? आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जो principal strain axes हैं, elongation और shortening वाले, ठीक है? ये undeformed है. अब ये इन में क्या होगा? Change आएगा. धीरे-धीरे करके. अगर शॉर्ट इंक्रीमेंटल स्ट्रेन हो रहा है तो इनका जो ओरिएंटेशन था वो वैसा का वैसा नहीं रहेगा है ना पहले ये परफेक्ट ऐसे क्रॉस थे स्टेट में, फिर ये ऐसे हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से, फिर ये और ऐसे हो जाएंगे इस तरीके से फिर ऐसे तो आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेन को दिख रहे हैं यहाँ पे इसमें जो ये इसमें जो ये लाइन है अब ये पहले वर्टिकल थी हॉर्जेंटल थी प्योरली वर्टिकल प्योरली होर नाउ दे आर इन दिसन देन देर ये इस तरीके से तो इनका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो रहा है ठीक है तो फॉर नॉन कोशियल डिफॉर्मेशन दरियंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रीन एक्सेज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेन इन द सेम डायरेक्शन मतलब जो ओरियंटेशन उनका सेम रहेगा हालांकि बट ओरियंटेशन क्या रहेगा ए रहेगा राइट right? इसमें भी यही है इसमें भी यही है राइट विच इज ओरिए सेम वे एज प्रिंसिपल मैक्सिमम एंड शॉर्टनिंग एक्सेस ठीक तो है 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 तो ना मतलब इस के के अंदर जो lines parallel थी उन्होंने क्या है? Rotate, rotation किया है, अपनी ओरिजिनल उनकी ओरिजिनल पोजिशन ये थी अनडिफॉर्म्ड स्टेट में तो इन्होंने क्या है रोटेशन किया है राइट इस तरीके से अब ये इस पोजिशन में आ गए पहले ऐसे थे ऐसा है। तो पहले कैसे थे? ऐसे थे? राइट? इन्होंने रोटेट किया है। ये यूं होगा। मीटर कैन। दिस। दिस। तो पहले ये लाइन थी ना तो ये लाइन इस तरीके से रोटेट हुई और ये वाली लाइन इस तरीके से रोटेट हुई राइट तो इसके लिए इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं रोटेशनल स्ट्रेन भी कहते हैं राइट दिस लाइन आर रोटेटिंग राइट यू कैन सी दिस लाइन जो है ये रोटेट कर रही है एंड ऑल पार्टिकल्स मूव पैरल टू द डायरेक्शन ऑफ द शेयरिंग ठीक है तो जो शेयरिंग डायरेक्शन है ये शेयर हो रहा है ना तो दीज पार्टिकल्स आर मूविंग डायरेक्शन ऑफ द शेयरिंग जिस डायरेक्शन में शेयर हो रहा है पार्टिकल पार्थ विल बी पैरल टू दायरेक्शन इस केस में क्या हो रहा था लाइन ऑफ द मैक्सिम स्ट्रेचिंग ओके इस केस में क्या हो रहा है पार्टिकल्स आर मूविंग पैरल टू द शेयरिंग डायरेक्शन ठीक है बट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर स्ट्रेच एंड लीज स्ट्रेच कंटिन्यूसली चेंज डायरेक्शन ऑफ द शेयरिंग ओके तो जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेच है आपका ये वाला होगा ठीक है मतलब इस केस में ग्रेटेस्ट स्ट्रेच ये वाला है और शॉर्टेज स्ट्रेच ये वाला है बट ये चेंज होता रहेगा इन नॉनको डिफॉर्मेशन में ठीक है फिर हो सकता है कि इस ये ये सर्कल जो है ये और ज्यादा ये एलिप्स जो है और ज्यादा डिफॉर्म हो जाए इस तरीके से तो ये वाली लाइन हटके कोई दूसरी लाइन मैक्सिमम स्ट्रेचिंग में आ जाएगी राइट right? तो ये चेंज होती रहेगी ओके दिस इज नॉन को डिफॉर्मेशन तो सिंपल शेयर जो होता है इट्स अ स्पेशल केस ऑफ नॉन कोएक्सियल डिफॉर्मेशन सिंपल शेयर इज द स्पेशल केस ऑफ नॉन को डिफॉर्मेशन सो हियर यू कैन सी सिंपल शेयर में क्या हो रहा है हम पैरेलल स्ट्रेस लगा रहे हैं राइट right? इन टॉप एंड बॉटम ठीक है और ये ऑब्वियसली नॉन को एक्चुअल स्ट्रेन है तो इसमें क्या हो रहा है टॉप एंड बॉटम स्ट्रेच नॉर शॉर्टन ठीक है? तो टॉप और बॉटम ठीक है ना छोटे होते हैं दे मेंटेन ऑफ द एज ऑफ द क्यूब ठीक ओरिजिनल अनडिफॉर्म पोजिशन में जो रही होगी क्यूब की वो सेम रहेगी टॉप एंड बॉटम पोजिशन की ठीक है इन दिस स्पेशल केस देर ऑल्सो नो चेंज इन एरिया ठीक है तो आप देख सकते हो कि सिंपल शेयर में क्या हो रहा है ठीक है ये एंगल ठीक है इसको माइनस पता नहीं क्यों दे रखा है है शुड बी पॉजिटिव बिकॉज रोटेशन हो रहा ठीक है थीके? तो आप देख सकते हो दो लाइन्स है ठीक है और ये लाइन्स चेंज हो रही हैं ये इस केस में देखो 22 डिग्री में क्या है मैक्सिमम स्ट्रेचिंग ये वाली है शॉर्टनिंग S3 ये वाला है लेकिन 31 डिग्री पे ये चेंज हो गया ठीक है मतलब है तो ऐसा ही लेकिन ये वाली लाइन नहीं होगी ये कोई दूसरी लाइन होगी इसी तरीके से इसमें और ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं बट दिस लाइन इज नॉट दिस वन ठीक है दिस लाइन विल कीप ऑन चेंजिंग ओके इट्स ओरिएंटेशन दिस इज योर सिंपल शेयर ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टू डी स्ट्रेन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्री डी स्ट्रेन को एंड थ्री डी स्ट्रेन एलिप्स ठीक है तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कोएक्सियल नॉन कोएक्सियल क्या होता है ठीक है आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि कोएक्सियल में क्या है ओरिएंटेशन सेम रहते हैं नॉन कोएक्सियल में क्या है ओरिएंटेशन जो है वो चेंज होता रहता है विद चेंज इन स्ट्रेन ओके एंड दिस इज नाउन एज रोटेशनल स्ट्रेन ठीक है। लाइन स्पेल टू द प्रिंसिपल एक्सिसन ठीक है इन एनी प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप टेलीग्राम और ऐप इटसेल्फ ओके एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्री डी एलिप्स ओके देन स्टे सेफ एंड गुड बाय